हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर की एक यूनिक सी रेसिपी। यहाँ देखिए, हमने रात भर मटर को भिगो के रखा था। इस तरह से मटर हमारी अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे कुकर में मैंने 1 लीटर करीब पानी लिया है, और उसमें सारी मटर ट्रांसफ़र कर देंगे। सारी मटर हमने यहाँ डाल दी है, और इसमें हम डालेंगे नमक, और 1 चम्मच नमक हमने डाला है, और 1 पिंच यहाँ पे हम सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो यूज़ करेंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 8 से 7 सीटी लगाएंगे। यहाँ देखिए, 8 से 7 सीटी लगाने के बाद में हमारा जो है मटर, वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, यानी कि प्रॉपर वो अच्छे से गल चुका है। तो बस इतना ही हम मटर को गलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना। तो अभी हम इसको कुकर में से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मैंने कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है अपने एक बाउल में। अब चलते हैं हम इसके तड़के की तरफ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये चाट हमारी लगती है खाने में। यहाँ पे हमने लिया है ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे गरम होने पे जीरा, तो जीरा जब हमारा चटकने लगे फिर हम यहाँ पे डालेंगे अपना अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला के हम मिक्सी में पीस लेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे। अब थोड़ा सा जो हमारा पानी इसमें डाल के मिक्सर में उसको भी डाल देंगे। यहाँ पे डाला है मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला, यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गैस की मीडियम, लो टू मीडियम रखनी है, उसी पे हमें इस मसाले को अपना भूनना है। और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बॉईल किए हुए आलू, उनको अच्छे से कर लेंगे मैश। तो इसमें हमारा मसाला भून रहा है। इसको अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। मसाला हमारा भून चुका है यहाँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी चाट मारी बनने वाली है। और यहाँ पे हमने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं, और इन आलू को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जो हमारा मसाला है और आलू वो अच्छे से मिल जाएं। तो बस हल्के हाथों से चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है, और अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे अपने बॉईल किए हुए मटर, यानी कि जिनको सफ़ेद छोले भी बोलते हैं। आप यहाँ इनको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पर मैंने सारे छोले कढ़ाई में डाल दिए हैं, और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस ऐसे ही चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमारे छोलों का जो कलर है एकदम स्ट्रीट स्टाइल में आया है, और वो भी इसी टाइप से बनाते हैं, बिना किसी कलर का यूज़ किए हुए एकदम परफेक्ट कलर हमारे छोले में आया है। यहाँ पे हमने अच्छे से अपने छोलों को पका लिया है, और यहाँ पे हम इसको डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चॉप कोरिएंडर यानी हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एकदम से बचार जैसा हमारा रगड़ा चाट बनके तैयार हो गया है एकदम। आप चाहें तो इसमें और भी तीखे मसाले यूज़ कर सकते हैं, बट यही मसाले आप डाल के एक बार बनाइए,
और मुझे बताइए कि कैसे बने आपके ये छोले। बहुत ही यूनिक और टेस्टी फ्लेवर आता है इनका। और इनको हम कर लेंगे सर्व एक बाउल में। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे धनिया, थोड़ी ग्रीन चिली की चटनी और एक टमाटो, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू यूज़ किया है। तो हम डालेंगे इसमें पहले ही अपना टमाटर। अगर आप प्याज खाते हैं तो यहाँ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे चटनी, हरे धनिए और मिर्ची की चटनी है ये। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी जाएगा यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया और अब जाएगा इसमें लेमन जूस। देखिए बाजार जैसी हमारी ये चाट बनके एकदम तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच।